वेडिंग फंक्शन में जाने से पहले अगर आप खुद को, अपने आउटफिट को, अपने मेकअप को 100% देते हैं, लेकिन वहां जाते ही कुछ ही घंटों में आपको ये रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वेडिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। क्या क्या बातें आती हैं, लाइक ट्रेडिशन, कल्चर, लॉट्स ऑफ डांस, मस्ती, फूड, हेवी मेकअप, हेवी ज्वेलरी, डिजाइनर आउटफिट एंड मच मोर। और इन्हीं सब एक्साइटमेंट के चक्कर में हम सब ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं कि फंक्शन के बीच में ये लगता है, ओ नो, हमें ऐसे करना ही नहीं था। तो आज का वीडियो उन्हीं के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगी कुछ फैशन मिस्टेक, कुछ वेडिंग फैशन मिस्टेक्स विच यू यूजुअली डू व्हाइल अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ वेडिंग फंक्शन। वेडिंग फंक्शन इज अ ग्लैम अफेयर, सो यू डोंट नीड टू टर्न इनटू अ पीकॉक। पीकॉक का मतलब है बहुत सारे कलर्स एक ही आउटफिट में डाल देना। यूजुअली लोग एक्साइटमेंट में सोचते हैं कि बहुत सारे कलर्स एक ही आउटफिट में डाल दें, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे आपका लुक तो कंफ्यूज होगा ही होगा, साथ ही एक बैड इंप्रेशन भी क्रिएट होता है। तो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग सो मैनी कलर्स इन वन गारमेंट, गो फॉर ओनली वन शेड और वन और टू शेड। यू कैन गो फॉर अनकन्वेंशनल कलर पेयरिंग सच एज ग्रे एंड पिंक एंड येलो एंड पर्पल। And when you select these kind of color, please make sure that that color matches your skin tone and make your skin glow while attending your marriage party. Wedding party attend करने से पहले कुछ लोग अपने comfort zone का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। Means उनको comfort zone से बाहर निकलना ही नहीं होता। तो they opt for the denims and they usually wear denims at the wedding parties, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। See, wedding party is a very formal party and the denim is a casual wear. तो अगर आप formal में casual डाल के जाएंगे तो वो host को disrespect होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपका भी बहुत bad impression पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पास denim के अलावा कोई भी formal wear हो तो please उसे पहन के जाइए, irrespective of wearing a denims. Ladies, when it comes to makeup, the less is more. आई मीन टू से कि जब भी कोई वेडिंग पार्टी होती है तो प्लीज इतने ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए कि आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट, गो फॉर द न्यूट्रल शेड्स और जैसा आप कराते आ रहे हैं वैसा ही कराइए। इंडियन वेडिंग पार्टी इज नॉट द प्लेस वेयर यू गो फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स ब्लैक लिपस्टिक, पर्पल लिपस्टिक विद हाई मेकअप। अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो एक्साइटमेंट में लेडीज सारी ज्वेलरी एक साथ डाल देती हैं, लाइक बड़े बड़े इयररिंग्स, नेक पीस एंड मांगटीका। लेकिन अगर आप सारे पीस एक साथ डाल देंगे तो दुल्हन तो आप ही दिखेंगी, लेकिन आप दुल्हन नहीं हैं, दुल्हन की शादी में आइए। अगर आप हैवी मांगटीका डाल रही हैं तो हैवी इयररिंग्स डालिए, ना कि हैवी नेक पीस। इयररिंग्स और आपका मांगटीका इसको बैलेंस कर देगा। अगर आप मांगटीका नहीं डाल रही हैं तो आप नेक पीस पर जा सकती हैं, लेकिन हेवी नेक पीस के साथ इयररिंग्स ऐसे पहनिए जो आपके शोल्डर से ऊपर हो, ना कि शोल्डर को टच करता हुआ, वरना हेवी इयररिंग्स और नेक पीस बहुत ही ऑकवर्ड लुक देता है। तो लाइट नेकलेस के साथ हेवी इयररिंग्स और हेवी इयररिंग्स के साथ लाइट नेकलेस। और अगर आप मांगटीका डाल रहे हैं तो मांगटीके के साथ नेक पीस की जरूरत ही नहीं है। तो इट विल मेक्स यू लुक्स बैलेंस्ड एंड कम्प्लीट। अगर हम वेडिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा डांस, बहुत सारा धूमधड़ाका और बहुत सारे फंक्शंस। तो ऐसे में आपको अपना कंफर्ट जोन प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। कंफर्ट जोन से मतलब आपको ऐसे स्लीपर्स को चूज करना है जो पूरा टाइम भी अगर आप डालें तो आप थके नहीं और आपके पैर डगमगाए नहीं। यूजली हम लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं कि पेंसिल हील पहन करके हम चल देते हैं। वो एक दो घंटे तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और हमारे फंक्शन का मज़ा एकदम स्पॉइल हो जाता है। हमें फंक्शन को स्पॉइल नहीं करना है, उसको फुल्ली एंजॉय करना है। उसके लिए आपको ऐसे स्लीपर्स यूज़ करने हैं जिसमें आप अगर पूरे दिन भी नाचो, काम करो और सारे फंक्शन अटेंड करो तो भी एंड तक भी आपका एंथुसियाज्म कम ना हो और
फंक्शन बहुत जॉयफुली एंजॉय करो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दीपिका पादुकोण हैज चेंज हर ओन स्नीकर्स एट हर ओन रिसेप्शन। वेडिंग में जाने से पहले मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, मैंने उसको इस वीडियो के जरिए आपको बताया और उसको इम्प्रोवाइज किया। आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की है प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।